पिछले न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार अल अकरम। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से हमने देखा कि एक के बाद एक मामला जो है वो बिगड़ता चला गया, शिवसेना में टूट, अजित पवार गुट की टूट, शरद पवार की पार्टी में जो है टूट, और फिर उसके बाद लगातार ये टूट का सिलसिला जो है अब तक चल रहा है। पार्टी पे कब्जेदारी को लेकर के भी मामला जो फंस चुका है। शिवसेना पार्टी टूटती है, एकनाथ शिंदे का गुट बनता है, एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग जो है पार्टी सौंप देता है, चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव चिन्ह सौंप दिया जाता है, उस तरीके से फिर एनसीपी में टूट होती है। एनसीपी में भी टूट होने के बाद वहां पर जो है अजित पवार गुट सत्ता का हिस्सा बनते हैं और एकनाथ शिंदे भी शिवसेना में टूट के बाद सत्ता का हिस्सा बनते हैं। एनसीपी के अजित गुट को भी चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह सौंप देता है और ये लड़ाई फिर से एक बार कोर्ट में चली आती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार क्या ये सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है? क्या इसमें साफ तौर पर यह मान करके चला जाए कि जानबूझ करके केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का जो है इस्तेमाल करके डरा कर धमका कर खौफ दिखा कर यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका वोट बटोरने की कोशिश जो है वो की जा रही है? और इससे साफ तौर पर यह बात ये आकलन करने की जरूरत है कि आखिरकार ये कब तक चलेगा, कब तक ये पूरी की पूरी स्थिति जो है बनी रहेगी और इसको लेकर के मामला क्या इस तरीके से ही हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सीटों के लिहाज से बड़ा राज्य है, अब ऐसे में अजीत पवार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे को अपनी अपनी राजनीतिक ताकत साबित करनी पड़ेगी। उन्हें यह बताना पड़ेगा, ये दावेदारी जो आप कर रहे हैं, इस दावेदारी पर जनता का कितना विश्वास है, जनता आपके साथ कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। पूरे मामले को लेकर के जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही।